सुप्रभात बच्चों, नवांकुर चयन डिजी लेसन में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं PS राजपूत, कक्षा 11, वाणिज्य संकाय के लिए आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इकाई 5, जिसका शीर्षक है मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन भाग 2, आपको आज बताऊंगा। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मूल्यह्रास की गणना करने की दो विधियां हैं, एक सूत्र विधि है और एक प्रतिशत विधि है। तो वहाँ केवल मैंने आपको ये बताया था कि यदि कोई संपत्ति हम खरीदते हैं तो उस संपत्ति पर लगने वाला ह्रास की गणना करने का तरीका कैसा होता है। तो एक सूत्र विधि के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि एक मशीन पर यदि इतने में खरीदी और इतना स्थापना व मरम्मत व आदि हुआ तो इतनी राशि साल भर में ह्रास की आयोजित की जाएगी, हर साल इतनी राशि लगाई जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक मशीन खाते के माध्यम से भी बताऊंगा कि यदि मशीन पर इतना ह्रास लगता है तो मशीन खाता कैसे तैयार होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ह्रास खाता कैसे तैयार किया जाता है और उसके जनरल के लेखे कैसे किए जाते हैं। अर्थात एक संपूर्ण सवाल है जो आपको पहले गणना करना बताएगा कि यदि ह्रास की राशि आएगी तो कितनी आएगी वो बताई जाएगी आपको। फिर उसको मशीन खाते, यंत्र खाते या संपत्ति खाते में कैसे उसका लेखा किया जाता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। ह्रास खाता कैसे बनता है वो बताऊंगा आपको, और साथ साथ आपको जनरल एंट्रियों का ज्ञान भी दूंगा। सामान्यतः व्यावसायिक संस्थान इसी पद्धति को अपनाते हैं। एक दूसरी पद्धति और होती है जिसमें ह्रास खाते को संपत्ति खाते में न ला करके ह्रास आयोजन खाते में ले जाते हैं। ये बच्चों वहाँ होता है जहाँ कोई भी व्यवसाय इकाई अपनी संपत्ति की कीमत यथावत बैलेंस शीट में शो करना चाहती है और इस पर लगने वाले ह्रास के लिए वो ह्रास आयोजन खाता अलग से क्रिएट कर लेते हैं। तो ह्रास की राशि को वो ह्रास आयोजन खाते में लिखते हैं और जब वो संपत्ति बेची जाती है तो ह्रास आयोजन खाते को संपत्ति खाते में ट्रांसफ़र करके उसका लाभ हानि ज्ञात कर लेते हैं। तो वो लिखने का एक तरीका ही है, उससे अंतर कोई विशेष नहीं पड़ता है। बट जब कोई भी व्यवसायिक इकाई यदि बैंकों के पास जाती है तो बैंकें स्थायी संपत्तियों में ह्रास आयोजन की राशि को घटाकर उसकी संपत्तियों का मूल्यांकन करती है। तो लोग अलग अलग ढंग से उसका लेखा करते हैं, लेखा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, वैल्यू संपत्तियों की उतनी ही होती है। तो बच्चों आइए देखें आज सवाल क्रमांक कितना है, जो आपकी आपकी सवाल आपकी किताब का ही है, उस सवाल को लेकर के मैं आया हूँ। सवाल क्रमांक 6 है। सवाल क्रमांक 1, 2, 3 आपने पिछले वीडियो में देखे थे, आप वो और अगले चौथे पांचवें सवाल भी बच्चों आपके 1, 2, 3 जैसे ही हैं। आपको वहाँ ह्रास की राशि की गणना करना है तो आप अब कॉपी पर हल करके उसको देख लें। अब सवाल क्रमांक 6 क्या कहता है इसमें देखते हैं अपन। एक मशीन क्रय की है 20,000 रुपये में और इसकी स्थापना पर 2,000 रुपये व्यय हो गए और अवशिष्ट मूल 1,000 रुपये। तो बच्चों यहाँ जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संपत्ति की कुल लागत निकालना होती है, कुल लागत में उसका क्रय मूल प्लस स्थापना व्यय प्लस मरम्मत व्यय लगाने के व्यय उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ बस बच्चों इस मशीन की कुल लागत 22,000 रुपये होगी, क्योंकि 20,000 में मैं इसके लगाने के स्थापना करने के व्यय को जोड़ दूंगा। और इस संपत्ति का अवशिष्ट मूल अर्थात 10 वर्ष ये हमारे कार्यों को नहीं होगी तो इसका अनुमान लगाया कि 1,000 रुपये में बेच दी जाएगी। ये प्रश्न बच्चों अलग से भी पूछा जाता है कि अवशिष्ट मूल्य किसे कहते हैं। हालांकि मैंने थ्योरी का वीडियो पढ़ाते समय आपको ये बताया कि अवशिष्ट मूल्य का क्या आशय होता है। जब संपत्ति कार्य योग्य नहीं रहती है तो उसको बेचने से हमें जो मूल्य प्राप्त होता है वो अवशिष्ट मूल्य है। कई बार संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य बच्चों शून्य भी हो जाता है, कोई उसका मूल्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा देखने में नहीं आता है। क्योंकि आज यदि यदि कोई चीज़ मिट्टी की भी है और मिट्टी को भी हम यदि बेचते हैं तो मिट्टी का भी भाव मिल जाता है। फिर तो यदि कोई मशीन लोहे की है या लकड़ी की है तो भी उसका कुछ ना कुछ मूल्य हमें बस प्राप्त हो जाता है, तो हमारी बुक्स में उसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी। तो अब यहाँ पर को ह्रास की गणना करना है, फिर मशीन खाता बनाना है। मशीन खाता भी बच्चों 3 वर्ष का बनाना है। साथ ही साथ मैंने इस सवाल में आपको ह्रास खाता बनाकर भी बता दिया और जनरल एंट्रियों का ज्ञान भी आपको बताऊंगा, जनरल एंट्रियों के विषय भी बताऊंगा। तो एक साथ मैं आपको यहाँ पर 4 चीज़ें बताऊंगा। एक, ह्रास की गणना कैसे हुई, संपत्ति खाता या मशीन खाता कैसे बनता है, ह्रास खाता कैसे बनता है और जनरल एंट्री कैसे की जाती है। 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें एक ये सवाल पूरी संपूर्णता को लिए हुए है। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखें, सुने और लिखें, अभ्यास करें तो आप अवश्य ही मशीन खाता बनाना सीख जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ ह्रास लगाने की कई विधियाँ होती प्रचलित हैं अपने पाठ्यक्रम में। आपकी स्थायी किस पद्धति और घटती किस पद्धति है,
स्थाई किस पद्धति का ये सवाल है। स्थाई किस पद्धति बच्चों, यदि संपत्ति की लागत और जीवन काल और अपशिष्ट मूल्य दिया है तो उस परिस्थिति में संपत्ति पर स्थाई किस पद्धति से ह्रास की गणना की जाती है। तो ये सवाल जो है आपका स्थाई किस पद्धति का ही है। स्थाई किस पद्धति में प्रतिशत विधि से भी ह्रास लगाया जाता है, उसका उल्लेख मैं आगे एक आध सवाल में आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए, इसका सबसे पहले अपन ह्रास की गणना कर लेते हैं कि इस पर ह्रास की राशि कितनी होगी। तो कुल मूल अपन ने निकाला, 20,000 में 2,000 रुपये जोड़ दिए स्थापना के, तो संपत्ति की कुल लागत 22,000। यहाँ कुल लागत का और लागत का, कुल लागत और लागत में बच्चों अंतर होता है। यहाँ इसकी लागत 20,000 रुपये हो, कुल लागत 22,000, ऐसे पड़ेंगे। लागत और क्रय मूल्य एक ही चीज़ होता है, और कुल लागत से तात्पर्य इसकी स्थापना मरम्मत आदि के जो व्यय होते हैं वो व्यय और इसमें प्लस कर दिए जाते हैं। आप देखिए बच्चों, आप सूत्र जो मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था, सूत्र जरूर लिखें बार बार, क्योंकि कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 2 नंबर में आपसे खाली स्थान के रूप में सूत्र पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम सूत्र विधि से ह्रास की गणना करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ संपत्ति की कुल लागत माइनस अपशेष मूल या अपशिष्ट मूल बटे संपत्ति का अनुमानित जीवन काल लिखा जाता है। ये कुल लागत बच्चों मैंने आपको गणना करके दिखा दी, 22,000। ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ 22,000 ही लिखना है, 20 नहीं लिखना है। और जब मशीन खाता बनाएंगे वहाँ भी आपके 22,000 रुपये ही आएंगे, 20 नहीं आएंगे। अच्छे से ध्यान से देखें इस चीज़ को, नहीं तो कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ आपने 22 लिख दी और मशीन खाता बनाते समय 20 लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका प्रश्न है। 22,000 में से 1,000 रुपये अपशिष्ट मूल के घटाना है और 10 का आपको भाग लगाना है, तो हर वर्ष 2,100 रुपये प्रतिवर्ष इस पर ह्रास आएगा। तो जब हम मशीन खाता बनाएंगे तो ह्रास की राशि बच्चों 2,100 रुपये हम मशीन खाते में लिखेंगे। तो ये काम आपको फेयर का ही है, आपको ये भी आपको रफ नोट के रूप में तैयार करना है। जब आप सवाल करेंगे तो पहले आपको ये करके दिखाना है, फिर बच्चों आपको ह्रास लगा कर दिखाना है। ये फेयर वर्क के अंतर्गत ही आएगा, ये काम आपको पूरा का पूरा करना है। हाँ, सवाल उतारने की आवश्यकता नहीं है, ये किताब की किताब का ही सवाल है, सवाल क्रमांक 6, और इसका पेज नंबर डाल लें आप सब। यदि आपके पास सवाल उपलब्ध भी नहीं है, किताब उपलब्ध भी नहीं है, तब भी बच्चों आप वीडियो सुनते समय इस प्रश्न को आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए इस सवाल को मैंने टाइप कर दिया है। तो यहाँ तक अपन आ गए थे। अब देखिए मशीन खाता कैसे बनता है। खाता, जैसे कि बच्चों आप खाता बनाना पिछले वीडियो में मैंने आपको जब खतौनी वाले अध्याय में, लेजर वाले अध्याय में आपको पढ़ाया था, तो वहाँ आपको रोकड़ खाता और अन्य खाते बनाना सिखाए थे। यहाँ मैं आपको मशीन खाता बनाना दूँगा। खाते का बच्चों वही प्रारूप होता है जो पहले आप पढ़ चुके हैं, दिनांक विवरण जनरल पृष्ठ रकम, दिनांक विवरण जनरल पृष्ठ और रकम। यहाँ मशीन खाता बनाना है और 3 साल का मशीन खाता बनाना है। बच्चों वैसे खाते हर साल बनते हैं और हर साल उनका शेष निकाला जाता है, लेकिन इस सवाल की दृष्टि से आपसे 3 साल का मशीन खाता पूछा गया है, इसलिए हम एक ही प्रारूप में 3 साल का मशीन खाता बनाए। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस खाते बच्चों हर साल बनते हैं और हर साल उनका शेष निकलता है, और साल दर से उनका कुछ खाते बंद हो जाते हैं और कुछ खातों का शेष साल दर साल आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जितनी भी स्थायी संपत्तियां होती हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं, स्टॉक खाता होता है, पूंजी खाता होता है, इन सबके शेष साल दर साल आगे ट्रांसफ़र होते हैं, और माल खाते और आय व्यय के खाते साल विशेष के लिए खोले जाते हैं, और साल विशेष में उनको बंद करते हैं तो अगले साल उनका नए सिरे से उनको खोला जाता है, अर्थात उनका प्रारंभिक बैलेंस कुछ नहीं होता है। लेकिन जितनी भी स्थायी संपत्तियाँ उनके शेष साल दर साल ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे होते हैं आप देखिए। हेडिंग डाल दी मैंने ऊपर, मशीन खाता या अंतर खाता भी लिख सकते हैं इसके लिए। बच्चों आप जानते हैं, यहाँ मैं आपको जनरल प्रविष्टि भी बता रहा हूँ कि जब मशीन खरीदते हैं तो मशीन खाता हम डेबिट करते हैं और रोकड़ खाता क्रेडिट करते हैं। तो ये मशीन खाता है और इसका डेबिट पक्ष है, तो मशीन खाते के डेबिट पक्ष में मैं रोकड़ खाता लिख करके 22,000 रुपये। यहाँ ध्यान रखना है 22 लिखना है, 20 नहीं लिखना है, क्योंकि 20,000 की हमने मशीन खरीदी है, 2,000 रुपये स्थापना पे हो गए, तो टोटल कॉस्ट हमारी मशीन की 22,000 ही पड़ी जाएगी। ये आपको 22,000 रुपये ही लिखना है। तो पहला काम हो गया, जब भी आप मशीन खाता बनाएंगे तो यहाँ बच्चों रोकड़ खाता ही आएगा। जब भी मशीन खरीदी जाएगी तो रोकड़ खाता आएगा, चाहे पहले वर्ष में खरीदें, दूसरे वर्ष में खरीदें, तीसरे वर्ष, किसी भी वर्ष में जब भी अतिरिक्त मशीन खरीदी जाएगी तो रोकड़ खाता करके ही लिखना है। यहाँ डेट वाले कॉलम में जिस तारीख को मशीन खरीदी जाएगी वो डेट लिखी जाती है, चूँकि यहाँ डेट नहीं दिए इसलिए मैंने 1, 2, 3 नंबर डाल दिए, तो यहाँ खरीदने की डेट लिखी जाएगी। ह्रास बच्चों हमेशा साल के अंत में लगाया जाता है, तो यहाँ हमेशा आखिरी तारीख आती है, चूँकि यहाँ डेट नहीं दी है इसलिए नंबर यहाँ भी डाल दिए। जैसे मान लीजिए जनवरी 16 होता तो 1 जनवरी 16 को ये खरीदी होती, तो 31 दिसंबर 16 को इस पर ह्रास लगा। ह्रास की बच्चों एंट्री ये होती है बच्चों, देखो पहली एंट्री तो ये होगी मशीन खाता डेबिट हो गया और 2 रोकड़ खाता, तो मशीन खाते के मैंने डेबिट में रोकड़ खाता करके लिखा।
जब ह्रास लगाते हैं तो मूल ह्रास खाता डेबिट होता है, बच्चों, और मशीन खाता आपका क्रेडिट होता है। ये व्यय है इसलिए इसको डेबिट करते हैं, और जिस संपत्ति पर हम इसको लगाते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए ये ह्रास खाता करके राशि 2100 रुपये आ गई। तो ये एक साल का मशीन खाता कंप्लीट हो गया। जब बच्चों एक वर्ष पूरा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, खातों के शेष निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको लेजर वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब किसी खाते में साल भर की पूरी एंट्रियाँ हो जाती हैं तो एंट्री हो जाने के बाद साल के अंत में हम खातों का शेष निकालते हैं। खातों का शेष निकालने के लिए हम दोनों पक्षों का जोड़ लगा लेते हैं। यहाँ डेबिट जोड़ 22,000 आ रहा है, क्रेडिट जोड़ 2100 आ रहा है, तो 22,000 में से 2100 रुपये में घटाऊंगा तो इस खाते का शेष 19,900 रुपये आएगा, और फिर इस खाते का पुनः दोनों पक्षों का जोड़ बराबर कर दूंगा। दोनों पक्षों का जोड़ बच्चों हमेशा एक ही सीध में होता है, एक ही सीध में लगाया जाता है, तो जो 19,900। अब बच्चों ये ध्यान रखना है, उदाहरण के लिए 2016 था, यहाँ 17 आएगा और यहाँ 18 आएगा, तो जब अगले साल हम मशीन खाते की शुरुआत करेंगे तो हम पिछले साल जो मशीन खाते का शेष था वो शेष प्रारंभिक शेष करके यहाँ लिखेंगे 19,900। शेष नीले और शेष नीला में बच्चों ये अंतर है, जब हम शेष ज्ञात करते हैं तो ये नीले होता है, और इंग्लिश में लिखना है तो इसको बैलेंस CD लिखेंगे और इसको बैलेंस BD लिखेंगे। तो अगले साल मशीन खाते की शुरुआत गत वर्ष के शेष से होती है, तो गत वर्ष में हमारे मशीन खाते का शेष 19,900 था, तो यहाँ ये मशीन खाता 1 तारीख को आएगा, ये शेष नीला करके 19,900। फिर ह्रास लगाने की प्रक्रिया बच्चों वही की वही दोहराई जाएगी जो कि पिछले वर्ष दोहराई गई थी। तो यहाँ ह्रास खाता क्रेडिट था तो यहाँ भी बच्चों ह्रास क्रेडिट होगा, मशीन खाता डेबिट टू ह्रास खाता डेबिट होगा और मशीन खाते को हम क्रेडिट करेंगे 2100 रुपये। क्योंकि स्थायी किस पद्धति है, तो इसका स्थायी किस पद्धति में बच्चों एक बार जो मशीन पर ह्रास की राशि आ जाती है वही की वही हर साल ह्रास लगाते चलते हैं जब तक कि मशीन हमारे पास रहती है। तो इस साल भी मशीन खाते का पर जो ह्रास आएगा 2100 रुपये आएगा। फिर बच्चों जैसे कि पिछले साल अपन ने पिछले वर्ष में शेष निकाला था, इसमें से इसको घटा दिया था तो ये आ गया था, यहाँ इस पर इस साल इस साइड का जोड़ 19,900 है, 19,900 में से 2100 रुपये हम घटा देंगे तो हमारा जो है 17,800 रुपये शेष बचेगा, इसको शेष नहीं लिखेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना, खाते हर साल बनाए जाते हैं, लोग मशीन खाता हमसे जो पूछा गया है 3 साल का पूछा गया है, तो हम एक ही फॉर्मेट में एक ही प्रारूप में 3 साल का मशीन खाता कैसे बनाएंगे ये करके मैंने आपको दिखाया है। एक बात और बताता हूँ कि पहले एंट्री जो रोकड़ खाता डेबिट टू मशीन खाता हुए ये जब मशीन खरीदेंगे उस तारीख को होगी। ह्रास की राशि हमेशा बच्चों साल के अंत में लगाई जाती है, तो इसकी एंट्री ह्रास खाता डेबिट टू मशीन खाता या संबंधित संपत्ति खाता क्रेडिट होता है। ह्रास खाता डेबिट टू संपत्ति खाता होता है, मशीन पर यदि हम लगा रहे हैं तो आपका बच्चों क्या होगा, मशीन खाता क्रेडिट होगा, और यदि बच्चों हम फर्नीचर पर लगाते हैं तो फर्नीचर काटा आपका क्रेडिट होता। हाँ, ह्रास की राशि को फिर हम उसी साल एक तीसरी एंट्री और इस साल होगी बच्चों, ह्रास खाते को हम लाभहानि खाते में ले जाते हैं तो लाभहानि खाता डेबिट होता है और ह्रास खाता क्रेडिट होता है। तो पहले साल में इस तरह से बच्चों 3 एंट्री हो गई, एक मशीन खरीदने की, एक ह्रास लगाने की, और एक ह्रास खाते को लाभहानि खाते में ले जाते हैं। अगले वर्ष यदि मशीन खरीदेंगे तो इसकी एंट्री होगी अन्यथा नहीं होगी, लेकिन ह्रास लगाने की और ह्रास की राशि को लाभहानि खाते में ले जाने की सेम एंट्री और सेम अमाउंट आ जाएगा। इसमें देखिए इसकी एंट्री होगी ह्रास खाता डेबिट टू मशीन खाता 2100 रुपये आ गया, फिर ये लाभहानि खाते में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका लाभहानि खाता डेबिट होगा और ह्रास खाता क्रेडिट हो जाता है। और शेष निकाल दिया बच्चों, शेष निकालने की सामान्यता यहाँ प्रविष्टि नहीं करते हैं, शेष निकालने की प्रविष्टि होती तो है लेकिन वो पूरी बैलेंस शीट के शेष होने पर ही होती है। जब बैलेंस शीट अपन बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि शेषों की प्रविष्टि किस ढंग से की जाती है। बट ये शेष निकालना हो गया, ये 16 मान लीजिए, इसको 17 मान लीजिए, 19,900 में से 2100 रुपये घटाए तो ये 17,800 आ गए, और फिर इसके दोनों पक्षों का जोड़ मैंने बराबर कर दिया, ये 19,900 इस साइड का जोड़, इस साइड का जोड़ 2100, 19,900 में से मैंने 2100 घटाए तो 17,800 आ गया, तो ये 19,900 हो गया। ये बच्चों दूसरे साल का आपका खाता ख़त्म हो गया। अब हम अगले साल में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले साल की शुरुआत बच्चों पिछले साल के मशीन खाते से करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसको यदि हम पहला साल माने और इसको दूसरा माने तो दूसरे साल की शुरुआत पिछले साल के शेष से, जब तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल में हम दूसरे साल के शेष से इसकी शुरुआत करेंगे। इस तरह से बच्चों जितने भी संपत्ति खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाते होते हैं, आपके दायित्व के खाते होते हैं, ऋण खाते होते हैं, ये रोकड़ खाता होता है आपका, ये सब खातों का शेष साल दर साल ऐसे ट्रांसफ़र होता है, इसको शेष ट्रांसफ़र करना बोलते हैं, साल को यहाँ यहाँ ले आते हैं।
ये 17,000 हो। फिर बच्चों को वही की प्रक्रिया अपनाना है जो आपने वर्ष नंबर दो में अपनाई थी, तो वही की वही राशि 2100 रुपये आ गई। फिर 17,800 इस सर का शेष जोड़ है और 2100 रुपये इधर का जोड़ है। 17,800 में से हम 2100 रुपये घटाएंगे तो बच्चों हमारे कितने आएंगे, 15,700 रुपये आएंगे। और इस तरह से 3 साल का ये मशीन खाता कंप्लीट हो जाता है। इसकी एंट्री भी बच्चों ऐसे ही होगी, ह्रास खाता डेबिट होगा और मशीन खाता क्रेडिट होगा, और ह्रास को फिर लाभ हानि में ले जाएंगे तो लाभ हानि खाता डेबिट होगा और ह्रास खाता क्रेडिट होगा। तो इस तरह से बच्चों मशीन खाते बनाए जाएंगे। हर साल आप मशीन खाते इस तरह से ही देखेंगे। सामान्यतः 3-4 साल का ही पूछते हैं, 3 साल का 4 साल का ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कहाँ कौन सी तारीख में कौन सा शेष लिखना है। एक रह तारीख हमेशा दी रहेगी प्रश्न में, उसकी डेट डालना है। हमेशा जब भी खरीदेंगे रोकड़ खाता आएगा। ह्रास हमेशा साल के अंत में निकालेंगे लिखेंगे, ये शेष हमेशा साल के अंत में निकलेगा। लेकिन अगले साल का शेष बच्चों पहली तारीख को आएगा, ये दिसंबर में होगा तो ये जनवरी में होगा, इन दोनों में ये शेष हमने ज्ञात किया है। और इस शेष को हमने अगले जब साल ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको शेष नीला कर देंगे। फिर इस साल ये दिसंबर में लगेगा और ये दिसंबर में ही शेष निकलेगा, अगले साल ये 1 जनवरी को ट्रांसफ़र होता है। तो खातों की शुरुआत बच्चों पहली तारीख से होती है, तो यहाँ पहली तारीख डालेंगे और जब शेष निकाला जाता है और ह्रास लगाया जाता है तो साल की आखिरी तारीख डाली जाती है। अगले प्रश्नों में जहाँ डेट दिए है उस डेट वाले सवाल से और आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। इस तरह से बच्चों ये मशीन खाता आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए ह्रास खाता मैंने कैसे बनाया है, ये देखिए सिंपल सा खाता होता है। इसमें जैसे कि मैं आपको पहले दो एंट्रियाँ करके बता चुका हूँ, हेडिंग मैंने मूल्यह्रास खाता डाल दिया है। ह्रास लगाने पर बच्चों मूल्यह्रास खाता डेबिट होता है और मशीन खाता क्रेडिट होता है। तो ये देखिए ह्रास खाता मैंने डेबिट कर दिया और अपोजिट नाम मशीन खाता है। फिर जैसे कि मैंने बताया था कि ह्रास खाते को साल के अंत में लाभ हानि खाते में ले जाते हैं, तो लाभ हानि खाता डेबिट होता है और ह्रास खाता क्रेडिट होता है और जोड़ लगा देते हैं। इसका शेष नहीं होता है बच्चों, इसमें सेम वर्डों का यूज़ करते चले जाते हैं दोनों सालों में। यहाँ मशीन खाता ही रहेगा सब में और यहाँ लाभ हानि खाता रहेगा। यहाँ ये ध्यान रखना है यदि फर्नीचर है तो फर्नीचर खाता हो जाएगा, यहाँ तो लाभ हानि खाता रहे। राशि बच्चों बदल सकती है, कई बार ऐसा हो जाता है। स्थायी किस पद्धति में यदि एक ही मशीन है तो देखो 2100 आ रही है। यदि मशीनों की संख्या बदल जाती है, मशीनों की राशि बदल संख्या बदलने पर हमारी मशीनों का खाते का शेष ही बदल जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से ह्रास की राशि भी बदल जाएगी, जिसका मैंने उल्लेख अगले वीडियो में किया। अगले वीडियो में उसके पास 2-3 मशीन हो जाती हैं और तीनों मशीनों पर ह्रास अलग अलग निकाला जाता है। तो पहले साल इसकी एंट्री क्या हो गई बच्चों, आपकी मूल ह्रास खाता डेबिट टू मशीन खाता, इसकी एंट्री हो गई लाभ हानि खाता डेबिट टू ह्रास खाता। अब इसका शेष नहीं होगा, दोनों पक्ष बराबर करके जोड़ कर देते हैं। जब एक साल हो जाता है तो खातों के बच्चों जोड़ लगा दिए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है यदि किसी खाते के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो फिर शेष निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके जोड़ बराबर कर दिए जाते हैं। सेम एंट्री फिर होगी दूसरे साल में, मशीन ये ह्रास खाता डेबिट टू मशीन खाता और लाभ हानि खाता डेबिट टू ह्रास खाता। फिर इसकी भी बच्चों ऐसी एंट्री होगी, आपकी क्या होगी, मूल्य ह्रास खाता डेबिट होगा और मशीन खाता क्रेडिट होगा 2100 रुपये। और इसकी एंट्री होगी लाभ हानि खाता डेबिट और मूल्यह्रास खाता क्रिएट हो गया। इस तरह से बच्चों आपकी सवाल में 4 चीज़ें हो गई। आपने एक ह्रास की गणना करना सीखा, नंबर दो इसमें मशीन खाता बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ह्रास खाता बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और साथ साथ हमें जनरल एंट्रियाँ करना है तो जनरल एंट्रियाँ भी हमें आना चाहिए। जनरल एंट्रियों का सवाल कई बार OT क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, और जनरल एंट्रियाँ तो अकाउंटिंग की जान होती है, तो सभी बच्चों आपको जनरल एंट्रियाँ तो आना ही चाहिए। तो इस तरह से ये बच्चों सवाल पूरा हो जाता है। हाँ, एक बात और है कि एक जब कोई व्यवसायिक इकाई ह्रास खाते को संपत्ति खाते में न ले करके ह्रास आयोजन खाते में ले जाती है तो फिर पिछले सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। यहाँ सेम राशि रहेगी 22,000 रुपये और इसका शेष भी 22,000 ही रहेगा। तो हर साल इसका शेष जो रहेगा 22,000 ही रहेगा, क्योंकि ह्रास की राशि को हम फिर इस खाते में नहीं ले जाते हैं। उसका सवाल मैं एक अलग ढंग से करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप भ्रम में पड़ जाएंगे, इसलिए इतना ज़्यादा गौर ना करें। जब सवाल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे ये सवाल आपका पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया है। आशा है आपको ये बात सारी चीज़ समझ में आ गई हो। ह्रास खाता भी बच्चों सामान्यतः नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको ह्रास खाता बनाना आना चाहिए ताकि उसके विषय में पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो ये था आपका पूरा का पूरा सवाल, आपकी किताब का ही सवाल है।
आप कृपया, आपने यदि नवांकुर डिजी लेसन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें, नवांकुर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगें तो बच्चों लाइक ज़रूर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आपको जो भी सामग्री वीडियो के माध्यम से घर तक पहुंचाई जा रही है उसको कॉपी पर नोट अवश्य कर लें। नोट करने के बाद उसको याद कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा तो निश्चित रूप से होगी, और जो आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है वही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तात्कालिक रूप से अभी कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल काम होता है, लेकिन घर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, और हमेशा हाथ साफ करें, और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करें। थैंक यू।